जम्मू एंड कश्मीर में 370 धारा टूट चुकी है, 370 आप सेक्शन कह सकते हो अब टूट चुकी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल लोगों का जो मुझसे पूछा जा रहा है, आप लोगों की तरफ से जो आ रहा है, वो ये है कि क्या अब अदर स्टेट के लोग, दिल्ली के लोग, गुजरात के लोग, राजस्थान, झारखंड से भी अब अप्लाई कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसी के लिए या फिर नहीं। तो आज इसी मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं। मैं हूं साजन कुमार, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल समझ आया क्या पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो जम्मू एंड कश्मीर में न्यू रूल एंड रेगुलेशन है वो 31 अक्टूबर 2019 को लागू होंगे, तो उसके बाद ये सारी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए, हर एक स्टेट का एक सिलेक्शन बोर्ड होता है। जैसे मैं बात करूं अगर दिल्ली की, तो दिल्ली सबोर्डिनेट कुछ करके है। आप गुजरात की बात करें तो गुजरात सिलेक्शन बोर्ड है। राजस्थान की बात करें तो RSSB करके है। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड सिलेक्शन बोर्ड है, JSSC करके। तो ये बोर्ड्स जो होते हैं ये वैकेंसियां लेके आते हैं अपनी ही स्टेट के लिए। तो क्या इन वैकेंसियों में हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते अदर स्टेट से? देखिए, ये डिपेंड करता है उस स्टेट पे कि क्या वो दूसरी स्टेट को अप्लाई करने देगी या नहीं देगी। और अगर आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो याद रखिए जो आपकी पोस्टिंग होती है वो उसी स्टेट में होती है। यानी कि आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में कोई वैकेंसी निकलती है उसके बोर्ड के थ्रू, तो उसकी ज्यादातर जो लोकेशन होती है वो वही स्टेट की होगी। इस चीज का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अप्लाई करना। तो देखिए, जब हम अदर स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, आज के दौर पे मैं बात करूं, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूं, मैं दिल्ली में अप्लाई करना चाहता हूं, पंजाब में करना चाहता हूं, हो जाता है। लेकिन कुछ वैकेंसियां ऐसी होती हैं जिसमें स्टेट अलाउ नहीं करती है, वो कहती है कि आपको वहीं का एक डोमिसाइल चाहिए, ठीक है, आप वहां के रहने वाले बछिंदे होने चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि वो अभी दिल्ली में रह रहे हैं तो उनके पापा की ट्रांसफर किसी और स्टेट में होती है, तो उस स्टेट में वैकेंसी निकल जाती है, तो फिर उनके पास वहां का डोमिसाइल होता है और वो उस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वही रूल एंड रेगुलेशन अब जम्मू एंड कश्मीर में भी होंगे। वो हो सकता है आपको बोले अगर आपके पास डोमिसाइल है यहाँ का तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि क्या होता है जब हम दूसरी स्टेट में अप्लाई करते हैं तो हमें जो एक कोटा होता है, जो SC का कोटा होता है, ST का होता है, आपको OBC की छूट मिलती है, तो ये छूट को हटा देते हैं दूसरी स्टेट के लिए। यानी कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। और रही बात अब जम्मू एंड कश्मीर की, तो जब 31 अक्टूबर को रूल एंड रेगुलेशन आते हैं तो हो सकता है वो ये भी कह सकते हैं कि भैया नहीं, 10 सालों तक आप ऐसा नहीं कर सकते, 15 सालों के बाद कोई और सेक्शन लगा दें, उसके बाद ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल अगर रूल आता है तो वो वही होगा, या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या फिर ये होगा कि आपसे अगर वो वैकेंसी निकालते भी हैं तो उनके अंदर ये कंडीशन होगी कि भैया आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो जैसे कि अदर स्टेट में होता है, ठीक है। तो अभी ये देखा जाएगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जब रूल एंड रेगुलेशन आते हैं कि क्या हम इंस्टेंट ही अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और काफी सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या हम इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी होती है वो जम्मू एंड कश्मीर की हम अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप रिलेशन वर्ती जो होती है उसके लिए तो आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, बट ये जो अभी रिक्रूटमेंट होती है वो आप दूसरी स्टेट में नहीं दे सकते हैं। चाहे वो मुंबई की है तो मुंबई वाले ही देख पाएंगे, दिल्ली वाले नहीं देख पाते हैं, ये तो रूल आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, ये था आपके सवाल जो आपने मुझसे पूछे थे। आई होप आपको अपने सवाल का आंसर मिल गया होगा। आपका इससे रिलेटेड और क्या सवाल है जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं यहाँ पे बहुत सारी सीरीज जनरल नॉलेज की वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?